हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जयेश और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिंग लाइक मोहित चौहान। एंड आई एम वेरी श्योर कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहित चौहान के बारे में सबसे पहली बात यह है कि वो एक अनट्रेंड सिंगर है। तो मोहित चौहान के साथ और भी अनट्रेंड सिंगर हुए हैं बॉलीवुड में, जैसे कि के आतिफ असलम, किशोर कुमार, ये सब जो है अनट्रेंड सिंगर रहे हैं। और आपने रियलिटी शोज़ में भी कई अनट्रेंड सिंगर सुने होंगे जो कि अच्छा गाते हैं, लेकिन उन सिंगरों के बारे में यह होता है कि उनकी आवाज़ सुनकर पता चल जाता है। कोई भी अगर संगीत का थोड़ा बहुत भी अगर किसी को ज्ञान है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो है अनट्रेंड आवाज़ है, ये आवाज़ ट्रेंड नहीं है। लेकिन आप अगर के जैसे सिंगर्स के ये गाने सुनेंगे तो ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि ये अनट्रेंड सिंगर है। तो कौन सी चीज़ है जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी सिंगरों से, ये जो अनट्रेंड बॉलीवुड के सिंगर्स है वो? तो मैंने अपने पहले भी वीडियो में एक बात कही थी कि दो टाइप के सिंगर्स होते हैं। एक वो जो स्ट्रेट नोट्स बहुत ही अच्छे से लगाते हैं, स्ट्रेट नोट्स वाले गाने जो है वो बहुत ही अच्छे से गाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गायकी नहीं है लेकिन होल्डिंग नोट्स है। और दूसरे टाइप के सिंगर होते हैं जो जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा घूमती है, लेकिन कुछ सिंगर्स होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही अच्छे से घूमती है लेकिन ठहराव नहीं होता। तो मोहित चौहान जो है उस टाइप के सिंगर है जो स्ट्रेट नोट्स वाले गाने जो है बहुत ही अच्छे से गाते हैं। जैसे तुमसे ही का एग्जांपल अगर आप लोगे, ना है ये पाना, तो ये पूरा जो है स्ट्रेट नोट्स है गाने में, बहुत ज़्यादा कोई गायकी नहीं है लेकिन होल्डिंग नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोहित चौहान से सबसे पहले सीखने वाली बात यही है कि आपके जो होल्डिंग नोट्स है, आपके जो स्ट्रेट नोट्स है, उसका रियाज जो है आपका बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए आपकी। क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड टाइप के गाने गाने हैं, और बॉलीवुड ही नहीं, अगर आप क्लासिकल से थोड़ा हट के अगर सुगम की तरफ भी आते हो, मतलब आप अगर गज़ल गाते हो या फिर कोई फोक भी गाते हो, तो वहाँ पर भी अगर आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं भी है तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके होल्डिंग नोट्स ठीक नहीं बैठते, अगर आपके स्ट्रेट नोट्स, अगर आप सुर पे खड़े नहीं हो पाते एक सुर पे बहुत ज़्यादा देर तक, तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए ये स्ट्रेट नोट्स का रियाज का प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहित चौहान एक ऐसे सिंगर है जिनके स्ट्रेट नोट्स जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, होल्डिंग नोट्स जो है बहुत ही सटीक लगते हैं। और यही वजह है कि अगर आप क्लासिकल को कुछ देर के लिए साइड में रख के अगर आप सोचें, तो मोहित चौहान जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है। उन्होंने पॉप गाने भी बहुत अच्छे गाए हैं, रॉक गाने, अगर आप रॉक स्टार का एल्बम सुनोगे एक से बढ़कर एक गाने हैं। गज़ल भी इन्होंने बहुत अच्छी गाई है, जैसे गुंचा कोई हुआ, कितने दफ़े, तनुवीर मनु का जो गाना है बहुत ही खूबसूरती से गाया है उन्होंने। तो इसलिए मोहित चौहान एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं भी है, आपके गले में बहुत ज़्यादा ताने नहीं भी है, लेकिन आपके सुर पक्के है, आपके होल्डिंग नोट्स का रियाज अच्छा है, आपके स्ट्रेट नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप एक वर्सेटाइल सिंगर बन सकते हैं। तो ये स्ट्रेट नोट्स का जो रियाज होता है मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके डिटेल में जान सकते हैं कि ये कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट में आपको इसकी एक समरी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको तानपुरा सेट करना है, जो भी आपका नॉर्मल स्केल है, जिस स्केल पर भी आप गाते हो, जो कि नॉर्मली सी शार्प या डी शार्प होता है लड़कों के लिए। तो जो भी आपका स्केल है, अगर आप लड़की है तो आपके लिए अलग होगा, तो जो भी आपका स्केल है उस पर तानपुरा सेट कीजिए। और आपको बस होल्डिंग नोट्स लगाने हैं, स्ट्रेट नोट्स लगाने हैं आकार के साथ। तो जब आकार के साथ आप करते हो तो आपको मुंह जो है पूरा खोलना है, ऐसे नहीं करना, आपको मुंह पूरा खोलना है। और जब आप सुर लगाते हो तो कोशिश करें कि आपके गले से बिल्कुल भी हवा नहीं आनी चाहिए, हवा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, हवा के सहारे आपको सुर नहीं लगाने हैं, आपके जो नॉर्मल वॉइस है, नेचुरल वॉइस है, उसी में आपको सुर लगाने हैं। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो नहीं करना है, भी नहीं करना है, जो जैसे आप बोलते हो ना उसी आवाज़ में करना है, मुंह पूरा खोल के, और बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करना है। मैंने जैसे कि कहा कि आपकी नेचुरल आवाज़ में करना है, नेचुरल आवाज़ मतलब जिस आवाज़ में आप बात करते हो उसी आवाज़ में, ये नहीं करना, आपको पेट से नहीं करना, फोर्स नहीं लगाने हैं बहुत ज़्यादा, आपको गले से बहुत ज़्यादा आवाज़ थ्रो नहीं करनी है, नॉर्मल आवाज़ में करना है। अगर आप नॉर्मल आवाज़ में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो ना, तो कोशिश करो कि आवाज़ को और बारीक करें, तो इससे होता क्या है कि आपके आवाज़ पर जो है कंट्रोल आता है। तो अगर आप
अगर आप थ्रो के साथ करते हो ना, तो जैसे आप गाना गाते हो तो थ्रो के साथ गाते हो, तो गाना गाते वक्त गाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप थ्रो के साथ गा रहे हो। तो जैसे एक बड़ी रस्सी है, बड़ी रस्सी पर अगर आप चलते हो तो उस पर बैलेंस करना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे पतली रस्सी पतली होती जाती है तो उस पर बैलेंस करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बारीक आवाज़ में रियाज कर रहे हो ना, बारीक आवाज़ में होल्डिंग नोट्स लगा रहे हो, तो वो ठीक वैसे है जैसे आप रस्सी को छोटी छोटी करते जा रहे हो और उस पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप छोटी रस्सी पर बैलेंस कर पाते हो तो बड़ी रस्सी पर को बैलेंस करना आपके लिए खेल हो जाएगा। तो इसलिए आवाज़ बारीक रखनी है। तो जब बारीक करोगे तो क्या होगा, आपकी आवाज़ फटेगी, आपकी आवाज़ फटेगी और यहाँ वहाँ जाएगी, स्ट्रेट नोट्स नहीं रखेंगे, बहुत मुश्किल होगा स्ट्रेट नोट्स लगाना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी नहीं लगा पाते ठीक से, लेकिन आपको कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है वॉइस पर कंट्रोल आएगा और साथ ही आवाज़ आपके आवाज़ में रेजोनेंस भी बढ़ेगा, चूँकि मोहित चौहान की आवाज़ में रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस के टॉपिक पर हम आने ही वाले हैं। बट आपको स्ट्रेट नोट्स का रियाज करना है, इससे आपका आवाज़ पर कंट्रोल भी बढ़ेगा और आपकी जो रेजोनेंस है वॉइस की वो भी बढ़ेगी। और इसको जितना हो सके जब तक सांस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेच करना है। ओके तो जैसे जैसे सांस ख़त्म होती जाएगी वैसे वैसे आवाज़ हिलनी शुरू हो जाएगी ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करनी कि जितना स्ट्रेच कर सके उतना करना है और कोशिश करनी कि लास्ट तक आवाज़ फटे ना और सीधी रहे आवाज़, लेकिन सीधी रखने के लिए आपको फोर्स नहीं लगाना है। ये हमेशा याद रखना है कि आपको हवा का यूज़ करके उसको सीधे रखने की कोशिश नहीं करनी और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के भी उसको सीधे रखने की कोशिश नहीं करनी। आपको नॉर्मल वॉइस में ही कोशिश करना है कि जितना बारीक आवाज़ में आप बैलेंस कर पाओ उतना आपको कोशिश करना है कि वो बैलेंस रहे आवाज़। तो ये स्ट्रेट नोट्स का रियाज जो मैंने बताया, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, अगर आप 10-15 मिनट और धीरे धीरे बढ़ाते हो डेली बेसिस पर, तो आप अपने वॉइस में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस देखोगे और आपको समझ आएगा कि आप पहले के कंपैरेटिवली इजीली गा पा रहे हो और आपके नोट्स जो है बहुत ही इजीली लग पा रहे हैं और आपको अपनी आवाज़ जो है तो बहुत ही खुली खुली भी महसूस होगी। तो इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो कि है हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन हिज सॉन्ग्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि दो टाइप के सिंगर होते हैं, एक होते हैं जो कि हर वर्ड के बारे में सोच के ये डिसाइड करते हैं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, इस लाइन को कैसे गाना है, इसका ये मीनिंग है तो इसको कम आवाज़ में गाना है या कैसे गाना है, लाउडली गाना है या सॉफ्टली गाना है, ये एक सिंगर होते हैं। और दूसरे टाइप के सिंगर होते हैं जो कि सिर्फ गाने की सिचुएशंस को समझते हैं और दे जस्ट लेट द सॉन्ग कम आउट और गाने के इमोशंस जो भी है उसके साथ बस गाते हैं फीलिंग्स को समझ के, और फीलिंग्स जो है नेचुरली आती है। तो पहले टाइप के जो सिंगर है उसमें आप बोल सकते हैं जैसे सोनू निगम, उस टाइप के सिंगर है जो कि हर वर्ड के बारे में बहुत ही सोच कर गाते हैं। और मोहित चौहान जो है आप कह सकते हैं कि दूसरे कैटेगरी के सिंगर है जो कि बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है बस, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि गाने की सिचुएशन जो है उससे वो कनेक्ट होने चाहिए, गाने के जो मीनिंग है गाना मीनिंगफुल होना चाहिए और उसकी जो सिचुएशन है उससे कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो गाने को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और यही इस बात की वजह है कि मोहित चौहान ने जो है बहुत ही कम गाने गाए हैं, कुछ अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो 300 के आसपास कुछ उन्होंने बॉलीवुड में गाने गाए हैं, जो कि नंबर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाकी सिंगर से अगर आप कंपेयर करें और मोहित चौहान की जो स्टैंडर्ड ऑफ सिंगिंग है उसके हिसाब से बहुत कम गाने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गाने ऑफ़र नहीं हुए थे या फिर होते नहीं हैं, ऑफ़र होते हैं बट वो बहुत सारे गाने जो है रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो गाने की क्वालिटी पर बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि अगर गाने से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी वो सॉन्ग गाएंगे, वरना वो जो है मोस्ट ऑफ सॉन्ग्स जो है जिसमें कि वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा होती है या फिर कुछ ऐसे गाने जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं है या फिर उनको कंपोजिशन पसंद नहीं आई, मतलब बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उस गाने को, अगर वो दिल से नहीं गा पाते या फिर उनको मज़ा नहीं आ रहा वो गाना गाने में,
तो वो गाने वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोहित चौहान जो है किस टाइप के सिंगर है। वो बिलीव करते हैं कि गाने के सिचुएशन के साथ, गाने के लिरिक्स के साथ, गाने के मीनिंग के साथ आपका एक कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो कनेक्ट हो रहा है और आप गाने को फील कर पा रहे हो तो इमोशंस जो है अपने आप आते हैं। और मैंने बहुत सारे सिंगरों से ये सुना है, और मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूँ तो बजाय गाने के बारे में बहुत सोचने के, अगर आप गाने की सिचुएशन को समझते हो और अपने लाइफ के किसी इवेंट को उस सिचुएशन से कनेक्ट करके गा पाते हो, गाने को अपना बनाकर गा पाते हो, या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को उस गाने में रख के इमेजिन करके अगर आप अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट करके गा पाते हो तो गाना जो है अपने आप खूबसूरत हो जाता है। मतलब गाते वक्त सुर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सुरों के बारे में आपको गाते वक्त नहीं सोचना है। सुरों के बारे में तो गाने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो सुर तो आपके पक्के होने ही चाहिए, लेकिन गाते वक्त आपको सुरों के बारे में नहीं सोचना है। आपको जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको किसी इवेंट के साथ कनेक्ट करके, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करके अगर आप वो गाना गा पाते हो और उस सिचुएशन में अगर आप जाके उसको फील कर पाते हो तो एक तो आपको गाने में मज़ा आता है, आप गाने में डूब जाते हो, और सामने वाला जो भी जो है बहुत इजीली आपके इमोशंस को जो है कनेक्ट कर पाता है। और अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो सामने वाले को आपका गाना जो है पसंद आना ही आना है। तो इसमें अगर सुर इक्का दुक्का यहाँ भी हो जाए, यहाँ वहाँ भी हो जाए, तो लेकिन अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट क्या है, सामने वाले को आपके आपका गाना पसंद आना चाहिए। गाना तब पसंद आएगा जब आपके इमोशंस जो है कन्वे होंगे प्रॉपरली। तो मेरी पर्सनल एडवाइस भी यही है, और मोहित चौहान के सिंगिंग से सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि आपको गाने के लिरिक्स जो है समझ आने चाहिए आपके लाइफ से, कि किसी भी इवेंट से या फिर सिचुएशन से या फिर किसी पर्सन से अगर वो गाना आप कनेक्ट कर पाते हो और उसको इमेजिन करके आप गा पाते हो, उसको फील करके आप गा पाते हो, तो आपका गाना जो है बहुत अच्छा होता है। तो मोहित चौहान का इमोशंस कन्वे करने का जो तरीका है उसको अगर हम बारीकी से समझे और ब्रेक डाउन करके उसको समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक तनु वेड्स मनु का एक गाना है कितने दफ़े दिल ने कहा, बहुत ही खूबसूरत गाना है, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा आप। तो उसका एक अंतरा एज एन एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मोहित चौहान जो है क्या क्या करते हैं अपनी सिंगिंग में। कितने दफ़े मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों से ढूंढ के बिगड़ा दूं मैं चांदी, तुम्हारे इन कानों में पहना भी दूं बूंदे फना, फिर मैं ये सोच लूं समझेगी तू जो मैं न कह सका, पर डरता हूँ अभी नए तू पूछे कही क्यों लाए हो ये उन्हीं, कितने दफे दिल ने कहा दिल की सुनी कितने दफे। तो ये गाना अगर आप देखोगे इसमें इस गाने में उतार चढ़ाव बहुत है, बहुत ही मुश्किल कंपोजिशन है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं हैं, या फिर ये कहे कि मोहित चौहान ने बहुत ज़्यादा हरकतें यूज़ नहीं की है, कोई स्वरालंकार यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही सादगी से गाया है और बहुत ही इमोशन से गाया है, बहुत ही खूबसूरती से गाया है ये गाना मोहित चौहान ने, और बहुत ही प्रिसाइजली गाया है कि जो सुर है उससे नहीं हटे हैं, भले ही बहुत ही सादगी से और कोई हरकत ही यूज़ नहीं की है, लेकिन जो सुर है बहुत ही एक्यूरेटली लगाया है और बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना सुनने में। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कोई हरकतें नहीं है, इसमें कोई स्वरालंकार यूज़ नहीं किए हैं मोहित चौहान ने, तो इसमें ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं और कौन सी वो वजह है कि ये गाना सुनने में इतना खूबसूरत लगता है और कैसे मोहित चौहान इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत है। तो मोहित चौहान की जो आवाज़ है अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जो है एक तो रेजोनेंस है, उनके गले में एक गूंज है अलग तरीके की, और ये जो उतार चढ़ाव है ना गाने में, तो यहाँ पर ये उतार चढ़ाव करते वक्त आप सुनोगे तो वो पूरे अपने बॉडी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हेड वॉइस का भी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तब हेड वॉइस का भी यूज़ कर रहे हैं, और उनका नज़ल रेजोनेंस भी बहुत अच्छा है, वो जब बात भी करते हैं तब भी वो नज़ल जो रेजोनेंस है वो गूंज है वो सुनाई देती है, और साथ ही उनका बेस भी बहुत अच्छा है, तो वो जब नीचे आते हैं पर डरता हूँ अभी नहीं तू, जब नीचे आते हैं तब उनका जो है बेस बहुत अच्छा है, तो चेस्ट वॉइस भी उनकी जो है बहुत रिच साउंड करती है।
तो ये पॉइंट्स हैं एंड एंड साथ ही वॉइस मॉड्यूलेशन जो है आवाज़ को कम ज़्यादा करना। यहाँ पर हम ऊपर नीचे तो आ ही रहे हैं रजिस्टर्स में, अपने वॉइस रजिस्टर्स में, लेकिन वॉइस को जो लाउड और सॉफ्ट करना है। कितने दफ़े मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए आसमानी दुकानों से ढूंढ, तो ये जो है ये ऑसिलेट करना, आसमानी दुकानों से ढूंढ के बिगला दूँ मैं। तो ये जो है वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि मोहित चौहान गाना सीखे नहीं है, मोहित चौहान की आवाज़ जो है बहुत मॉडर्न है और गायकी भी बहुत ही मॉडर्न है, तो वो मॉडर्न क्यों सुनाई देते हैं, क्योंकि उनके ट्रांजिशंस जो है, बाकी जो पॉइंट्स बताया मैंने वो तो है ही, लेकिन उनके जो ट्रांजिशंस जो है सुरों के बीच में, आसमानी दुकानों से ढूंढ के, वो स्लाइड होके आते हैं, ऐसे कट कट करके नहीं आते जैसे नॉर्मली इंडियन सिंग में होता है, तो वो स्लाइड करके आते हैं, वो ट्रांजिशन जो है स्लाइड करके। जैसे ही मेरे होंठ ये ऐसे नहीं हो रहा, जैसे ही मेरे होंठ, स्लाइड करके जा रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको आपकी आवाज़ जो है मॉडर्न सुनाई दे और आपकी म्यूज़िक जो है, आपकी सिंगिंग जो है वो अगर मॉडर्न सुनाई दे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ, उनके डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स से जो वो गाते हैं वो हुआ, एंड जो ट्रांजिशन करते हैं सुरों में, तो ये चीज़ें जो है हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर हम एक एक करके आते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन पर मैंने तो वैसे पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक क्विक समरी दे देता हूँ। तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, वो 1960s के गानों में भी थी, 70s में भी, 80s में, 90s में, 2010s हो या अभी हो, ये हमेशा से रही है और ये हमेशा रहेगी। वॉइस मॉड्यूलेशन भले अगर आप हरकतें गाने में जो होती थी वो अब नहीं होती पहले जैसी, वो चेंज हो चुकी है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन जो है कभी आउटडेटेड नहीं होता। अगर आप किसी भी तरीके का गाना गा रहे हो, चाहे इंडियन क्लासिकल गा रहे हो या फिर वेस्टर्न गा रहे हो या फिर फोक गा रहे हो या फिर सेमी क्लासिकल हो, सुगम हो, कैसा भी गाना हो, वॉइस मॉड्यूलेशन कभी भी आउटडेटेड नहीं होता। इसलिए वॉइस मॉड्यूलेशन का जो रियाज है ना वो करना जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसका रियाज करना कैसे है, एक तो मैंने स्ट्रेट नोट्स का जिस तरीके का रियाज बताया था उसी को आपको एक्सटेंड करना है, तो वैसे ही आकार में करना है एक तो, एंड आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसी में आपको आकार लगाना है और आपको वॉइस लाउड एंड कम करनी है। तो एक तो मैं पहले बता देता हूँ करके, एंड देन इसका एक गाने के साथ एक एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको आकार में, जैसा मैंने पहले बताया था, पूरा मुंह खोल के आकार में सुर लगाना है, एंड देन धीरे धीरे वॉइस इंक्रीज करनी है। ये हमने इंक्रीज की और धीरे धीरे डिक्रीज करनी है। तो यहाँ पर इंक्रीज करना जो है बहुत ही मतलब इजी होगा, लेकिन डिक्रीज करते वक्त वॉइस को जो संभालना है और जितना बारीक हो सकता है उतना लेकर जाते वक्त, वॉइस को डिक्रीज करते वक्त वॉइस को संभालना बहुत मुश्किल है। तो ये इनिशियली बहुत मुश्किल होगा, आवाज़ थोड़ी कटेगी, लेकिन कोशिश करनी है कि आवाज़ ना कटे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि वॉइस बारीक होती जाए, लेकिन फिर भी वॉइस को बैलेंस करते वक्त कोशिश करेगी गले से हवा ना आए, जैसे हम पहले आवाज़ में गा रहे थे वैसे गाए, और वॉइस जो है स्ट्रेट रहे और वॉइस को ऐसे ऑसिलेट करते रहना है, कम ज़्यादा करते रहना है, लेकिन जो हम कम ज़्यादा कर रहे हैं धीरे धीरे करना है, क्योंकि हम गाने में जब ये वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं तब सुनने वालों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि सिंगर कोशिश कर रहा है आवाज़ कम ज़्यादा करने की, वो बहुत ही नेचुरल जाना चाहिए, जैसे पानी बह रहा है एकदम स्लाइड करके जाना चाहिए, और सुनते वक्त वो खटकना नहीं चाहिए कि सिंगर कोशिश कर रहा है कि आवाज़ कम, वो लाउड एंड सॉफ्ट करने की।
तो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, एक सांस में आप धीरे से लाउड तक मॉड्यूलेट कर सकते हैं और देन सांस लेके लाउड से स्लो तक आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, लेकिन मतलब कम से ज़्यादा एंड ज़्यादा से कम, ये अलग अलग सांसों में कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ट्राई करें कि वो आप एक ही सांस में उसको कर पाऊँ। तो इनिशियली इसमें जो है आवाज़ आपकी बहुत ही कटेगी, बहुत ही ज़्यादा कटेगी अगर आप सही रियाज कर रहे हो तो, लेकिन जितना आप उसको फिल्टर करते जाओगे ना, ये जो आवाज़ कट रही है, जितना आप फिल्टर करते जाओगे ना, आप देखोगे उतनी ही आपकी आवाज़ जो है क्लीन साउंड करेगी और आपकी आवाज़ का जो है रेजोनेंस जो है आवाज़ में जो जो गूंज होती है ना, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। आप जितना इसको क्लियर करते जाओगे ना, जितना आप इसको सही से गा पाओगे, ये मॉड्यूलेट करते वक्त आप जितना सही से बिना कटे, कटना तो है ही, वॉइस तो कटेगी ही, लेकिन इसको जितना फिल्टर करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतनी ही क्लीन आपकी वॉइस साउंड करेगी। तो मोहित चौहान का वॉइस मॉड्यूलेशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं तुमसे ही गाने का। तो इसमें किस तरीके से, इसमें बहुत ही स्ट्रेट नोट्स हैं, लेकिन मोहित चौहान ने आवाज़ को इतने अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट किया है और वॉइस मॉड्यूलेशन का इतने अच्छे से यूज़ किया है ना, वो फीलिंग्स कन्वे करने के लिए, कि वो आवाज़ जो गाना है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेट नोट्स है, लेकिन खोना लाउड गए, खोना ही है तेरा ना, फिर से सॉफ्ट से शुरू होता है, तेरा ना होना जाने, एकदम स्ट्रेट नोट है लेकिन आवाज़ मॉड्यूलेट हो रही है, क्यों होना ही है। अब अगली लाइन देखो, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। अब देखो कितनी सिंपल लाइन है, लेकिन यहाँ पर भी लाइन कितनी खूबसूरत हो जाती है अगर हम हल्का सा मॉड्यूलेट कर देते हैं आवाज़ को, तुमसे ही तुमसे ही, तुमसे सॉफ्ट से शुरू हो रहा है और ऐसे हम डायगोनली उसको आवाज़ को बढ़ा रहे हैं और ही पे छोड़ दे रहे हैं, तुमसे ही तुमसे ही, भीड़ में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही तुमसे ही, ना है ये पाना ना खोना ही है। तो ये मॉड्यूलेशन जो है ना थोड़े सेटल होने चाहिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन लग रहा होगा, लेकिन ये मॉड्यूलेशन जो है सेटल होने चाहिए। अगर आप ओरिजिनल गाना सुनोगे ना तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेट हो रही है, लेकिन हमारे कान जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सुनने में बहुत मेलोडियस लगता है और गाना उससे अच्छा होता ही है। तो अगर आपको ये मॉडर्न गाने जो है, आपको अपनी वॉइस थोड़ी मॉडर्न साउंड करानी है ना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन पर आपको कमांड जो है बनानी ही पड़ेगी। और वॉइस मॉड्यूलेशन भी अगर आप मोहित चौहान के देखोगे तो छोटी सी लाइन में भी, जैसे तुमसे ही का हमने एग्जांपल लिया है, छोटी सी लाइन में भी कितनी सुंदर तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ किया है, तुमसे ही तुमसे ही, अर रा, थोड़ी सी बेहोशी है, आधा सवादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन जो है ना, आपकी आवाज़ में एक, जैसे हम सुरों की प्रैक्टिस करते हैं तो जब सुर पक्के हो जाते हैं तब सुर अपने आप आने लगते हैं, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन का रियाज भी आपका इतना पक्का होना चाहिए ना कि बिना सोचे आना चाहिए। अभी अगर आप सोच के कर रहे हो तो ये बिना सोचे आना चाहिए, और
जैसे कि मैंने पहले कहा कि गाते वक्त आपको सिर्फ सुरों के बारे में सोचना है, लेकिन ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन का रियाज जो है आपका पहले से ही होना चाहिए। तो गाते वक्त आपको एफर्ट नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि सिंगर जो है गाते वक्त कोशिश कर रहा है आवाज़ कम ज़्यादा करने की, क्योंकि आप ओरिजिनल गाना सुनोगे ये तुमसे ही, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मोहित चौहान इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि उन्होंने पहले ही इसकी प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो चीज़ें जो है अपने आप ही आ रही है। तो इसके बाद बात करते हैं मोहित चौहान के वॉइस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा, उनकी नज़ल रेजोनेंस भी अच्छी है, उनकी हेड वॉइस भी अच्छी है, उनकी चेस्ट वॉइस भी अच्छी है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो नज़ल रेजोनेंस जो है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन की है और बहुत कारगर टेक्निक्स है, बहुत लोगों को उनसे फ़ायदा भी होता है जो भी इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उनको। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं और वो टेक्निक जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैंने कवर की है, लेकिन आज जो है जो उसमें सबसे पॉपुलर है और नॉर्मली यूज़ की जाती है वो हमिंग की टेक्निक है नज़ल रेजोनेंस बिल्ड करने के लिए। तो उसकी मैं एक समरी दे देता हूँ इस वीडियो में। तो हमिंग में आपको नज़ल रेजोनेंस बिल्ड करना होता है, तो इसलिए क्या करना होता है, पहले तो आपको नाक से सांस लेनी है, नाक से चेस्ट में भरनी है, और जब हम करेंगे हम तो एक तो हमको अपनी यहाँ का पोर्शन जो है एक तो ढीला छोड़ना है, और आपकी जीभ जो है नीचे होनी चाहिए, जीभ और ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हल्का स्पेस ओपन होना चाहिए, और हमारे होंठ जो है वो तो बंद ही होंगे, लेकिन ये बहुत ही टाइटली बंद नहीं करने, ऐसे नहीं करना, ये जो है लूज़ होने चाहिए। तो बेसिकली आपकी टंग भी लूज़ होनी चाहिए, ये हिस्सा भी लूज़ होना चाहिए, होंठ भी लूज़ होना चाहिए, और जब हम हमिंग करेंगे तो पहले हम सांस भरेंगे नाक के ज़रिए और यहाँ से पूरा थ्रो देंगे, और कोशिश करना है कि यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है ना नाक का एंड यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पर आपको एक रेजोनेंस फील होगा और होठों पर भी थोड़ी बहुत सेंसेशन होगी। तो ये चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप सही तरीके से करो। तो आपको पहले तो सांस लेनी है नाक से एंड देन उसको थ्रो करना है। तो अभी मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर रेजोनेंस फील हो रहा है, आप छू के भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाइब्रेशन आएगा। तो ये रियाज जो है आपको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट करना है डेली। आप हम कर सकते हो या फिर कुछ लोग ओम के साथ रियाज करना पसंद करते हैं, वो भी एक कारगर टेक्निक है, क्योंकि ओम के साथ जो है आपका पूरा ओ और वो एक वोवेल का भी रियाज हो जाता है, और यहाँ से लेकर नाक तक पूरा एक्सरसाइज हो जाता है अगर आप ओम के साथ करते हो तो। लेकिन आप हम के साथ भी स्टिक कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ नज़ल रेजोनेंस पर फिलहाल फोकस करना है तो ये जो रियाज है आप 10 से 15 मिनट डेली कर सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इससे आप फील करोगे कि आपकी आवाज़ में चेंजेस आएंगे, इससे आपकी आवाज़ में एक गूंज आएगी, क्लैरिटी आएगी और एक गोलाई आएगी। आप जब हरकतें भी लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका गला क्लीन हो जाता है और यहाँ के जो तंतु होते हैं वो खुल जाते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, जब करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको फील होगा इस हिस्से में कि आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो खुल रहे हैं, और ये पूरा जो हिस्सा है आपका जो वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं वो पूरा जो है यूज़ हो रहा है और आपकी वॉइस और थोड़ी रिच साउंड कर रही है। तो ये वन ऑफ द टेक्निक्स है, और भी टेक्निक मैंने दूसरे वीडियोस में बताई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स आप कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हेड वॉइस। तो मोहित चौहान की जो है हेड वॉइस भी है बहुत ही रिच साउंड करते हैं, जब भी वो ऊँचे सुरों में गाते हैं या फिर कभी कहीं भी हाई जाते हैं अपनी वॉइस को हाई करते हैं तो उनका जो हेड वॉइस है बहुत रिच साउंड करता है। वो हेड वॉइस पर मैं एक डिफरेंटली एक अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर। यहाँ पर हम एक टच करते हैं टॉपिक को, एक टेक्निक में एक्सप्लेन करूँगा देन। अभी ये हेड वॉइस होता क्या है, कि हेड वॉइस मतलब ये नहीं कि आप हेड से गा रहे हो, आपकी आवाज़ गले से ही आएगी, लेकिन आप थ्रो इस तरीके से करोगे कि आपका रेजोनेंस जो है आपको हेड में फील होगा और एक अलग तरीके की रिचनेस आती है हेड वॉइस से आवाज़ में। ये स्पेशली आप जब ऊपर के नोट्स लगाते हो तो इंडियन क्लासिकल में मामूली नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको आवाज़ खोलनी होती है,
तो वेस्टर्न क्लासिकल में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आवाज़ पतली होती जाती है और उसी को बोलते हैं कि आपकी आवाज़ जो है हेड वॉइस आ रही है आपकी, एंड आपको हेड में आपका रेजोनेंस जो है वो आपका वहाँ से आएगा। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती है जो कि मैं एक डिफरेंट वीडियो में अलग से बताऊँगा। तो यहाँ पर एक बस एक टेक्निक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसके प्रैक्टिस आपको हल्का सा फॉल्सेटो के साथ करनी है, लेकिन पूरा फॉल्सेटो नहीं है, पूरा फॉल्सेटो और इसमें फ़र्क होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप वी के साथ कर सकते हो या फिर फू वर्ड के साथ कर सकते हो, या अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो मैं डिफरेंट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल हम वी के साथ करेंगे। तो आपको क्या करना है, समझ रहे हो, मैं हल्का सा फॉल्सेटो, नॉर्मल फॉल्सेटो ये डिफरेंट है, और मैं जो कर रहा हूँ जैसे ओपेरा में आवाज़ यूज़ होती है उस तरह की, या फिर जैसे आउल चिल्लाता है वैसे। आपको कोशिश करनी है कि आपके हेड में वॉइस जो है हिट होती है, आप सही से करोगे तो आपको अपने आप वो रेजोनेंस जो है फील होगा। तो यहाँ से आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे के रजिस्टर्स में आना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। ये आप सुरों के साथ कर सकते हो, सारे गम पध नि सा नि धा प म ग र सा के साथ आप कर सकते हो, आपके हारमोनियम या फिर कीबोर्ड के साथ, या फिर आप स्वरालंकार जो होते हैं सारे ग रे ग म ग म प इसके साथ भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी वॉइस जो है चेस्ट वॉइस आने लगेगी, लेकिन आपको बस कोशिश करनी है कि चेस्ट वॉइस हटा के जितना हो सके कोशिश करनी है कि आपकी हेड से वॉइस आए। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपकी चेस्ट से वॉइस आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप चेस्ट के बजाय फॉल्सेटो या हल्का सा जो फॉल्सेटो और नॉर्मल वॉइस के बीच की जो आवाज़ है ना इसी में रहो, और कोशिश करने की हेड में ही जाए। तो स्टार्टिंग में पूरा फॉल्सेटो आएगा, लेकिन दैट्स ओके, कोशिश करिए आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही आवाज़ में गाओगे और आपको खुद ही समझ आएगा कि सही आवाज़ क्या होती है, एंड आपको कोशिश करने की उसी में प्रैक्टिस करें। और जब ऊपर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना है वॉइस को, जहाँ तक आपका फॉल्सेटो जाता है। एक तो कुछ लोग फॉल्सेटो में ही नहीं गा पाते, तो आपको कोशिश करना है कि पहले फॉल्सेटो में जाए, और क्योंकि फॉल्सेटो में आप अगर आप गाने लगो तो उसमें ऊपर की सुर लगाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो आपको कोशिश करने की जितना आपके ऊपर जाते हैं उतना ही जाए, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे हम नॉर्मल स्वरालंकारों में करते हैं उसी तरीके से करना है इस प्रैक्टिस को। तो ये एक वी करके मैंने बताई, इसके और भी वेरिएशंस होते हैं, लिप रोल के साथ भी इसको करते हैं, एंड फू के साथ भी करते हैं, फी के साथ भी करते हैं, वो मैं डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये एक्सरसाइज भी अगर आप जो मैंने बताई वी करके इसको भी अगर आप ठीक से करते हो तो आप देखोगे कि आपकी हेड वॉइस जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशंस, जो मोहित चौहान ट्रांजिशंस लेते हैं सुरों के बीच में, वैसे तो तेरी नाम है भी, तो ये स्लाइड करके जाते हैं। तो ये चीज़ आप कैसे डेवलप कर सकते हो, देखिए इंडियन क्लासिकल में क्या होता है, आप आकार में एक तो रियाज करते हो, एंड जो ट्रांजिशंस होते हैं वो गमक के साथ होते हैं। वैसे तो तेरी नाम है भी मैंने ढूंढ ली, तो ये गमक के साथ आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा मॉडर्न साउंड करना है ना, तो कोई भी अगर क्लासिकल सिंगर गाना गाता है तो वो पकड़ में आ जाता है, उसके जो ट्रांजिशंस है उससे समझ आ जाता है कि ये क्लासिकल टाइप का सिंगर है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस टाइप से नहीं करना है, आपको वो भी रियाज करना है और आपको ये भी करना है, आपको दोनों टाइप की सिंगिंग आनी चाहिए। जैसे अरिजीत सिंह इतने वर्सेटाइल इसीलिए है कि वो सब टाइप से गा पाते हैं, अगर गमक भी वो ले पाता है, तुझे संग बैर लगाया ऐसा गमक के साथ भी करवाते हैं, और स्लाइड सुरों के बीच में ट्रांजिशन जो है स्लाइड करके भी वो कर पाते हैं। जैसे कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को, तो इसमें कोई भी हरकत नहीं है, लेकिन ट्रांजिशंस है। तो ये ट्रांजिशंस जो है स्लाइड करके वो आपको डेवलप करने होंगे अगर आप थोड़ा मॉडर्न और वेस्टर्न टाइप का साउंड करना चाहते हैं गाने में। तो इसके लिए लिप रोल करके एक्सरसाइज होती है, जो कि मैं अगेन मैंने बहुत डिटेल में एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक उसका समरी दे देता हूँ। तो लिप रोल करने में आपको क्या करना है, एक तो आपको अपने गाल जो है इस तरीके से प्रेस करने हैं, आपको यहाँ पर जो हिस्सा है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी एक्सरसाइज करते हो यहाँ का हिस्सा एकदम रिलैक्स छोड़ना है, आपको अपनी जीभ रिलैक्स छोड़नी है,
और लिप रोल करना है, ठीक है, जैसे आप मैं करके बताता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी ट्रांजिशंस जो है ना बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। आपको भी फील होगा, आप कोई भी गाना लिप रोल करने से पहले गाइए और उसके बाद में गाइए, आपको डिफरेंस क्लियर कट समझ आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके होंठ इस तरीके से दबाने हैं, आपके गाल इस तरीके से दबाने हैं, एंड देन लिप रोल करना है। जैसे तो ये आप कर सकते हो, या और अलंकारों के साथ आप वैरायटी के साथ कर सकते हो, जैसे या फिर आप कोई गाना है, गाना गाने से पहले आप कर सकते हो ये, जैसे आपको कोई जगह नहीं आ रही है तो वो जगह जो है आप लिप रोलिंग के साथ कर सकते हो। गाना गाने से पहले आप चेक करिए, वैसे तो तेरी नाम है भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, इसी को हम लिप रोल के साथ करेंगे। तो ये आप करोगे ना तो आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा, वैसे तो तेरी नाम है भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। आप खुद करके देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ आएगा कि पहले वॉइस से थोड़ी ब्लॉक साउंड कर रही थी, अभी थोड़ी और खुली है, एंड ये जो ट्रांजिशंस है इसके अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रांजिशंस जो है ये बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे और बहुत ही इजीली आप इनको कर पाओगे। तो ये लिप रोलिंग एक्सरसाइज जो है ना, आप कोशिश करें कि डेली रियाज में आप लाओ, आपकी सिंगिंग जो है इससे बहुत इंप्रूव होगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे मोहित चौहान के सिंगिंग से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने पॉइंट्स बताए वो ज़रूर आपके सिंगिंग में आपको हेल्प करेंगे और आपकी सिंगिंग इम्प्रूव करने में आपको बहुत मदद करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको भी इस टॉपिक में रुचि हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हो टॉपिक्स। आपने जो पहले सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सारे टॉपिक्स पर। कोई और भी टॉपिक्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।